बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। मोदी जी आप बहुत अच्छा काम किया। अभी भजनों का कार्यक्रम चल रहा है, 11:45 से भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा, धार्मिक आयोजन हो, बब्बा का जन्मोत्सव आ रही है, उसकी भी तैयारी चल रही है। मंगलवार को, नेक्स्ट मंगलवार बब्बा का जन्मोत्सव है, वो भी धूमधाम से मनाया जाएगा पूरे में। भाई रामनवमी के मौके में राम भगवान की 11:30 पूजा होगी, राम दरबार में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। भक्तों की कोई गिनती नहीं है, इतने भक्त इकट्ठे होते हैं। जन्मोत्सव एवं महाआरती का आयोजन किया जाएगा, राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और आज का राम जन्मोत्सव तो 500 साल बाद आया है, तो इतना उत्साह है भक्तों में, इतने सुबह से ही जो है भीड़ लगी हुई है और लंबी लंबी कतार में भक्त लगे हुए हैं आने में, और फुल आनंद चल रहा है समय में। बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हिंदुओं के दिनों में मतलब आज जैसा दिन तो कभी आया ही नहीं है, अपार खुशी है, उत्साह से लगे हुए सारे लोग। बस जय सियाराम, जय माता। लग रहा है बहुत बढ़ गया, मंदिर में आते नहीं लग रहा है, और सबको मिल बांट के करना चाहिए इसका, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से भी। आज देखा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ऊपर भी ऊपर दर्शन करें आपने? ऊपर नहीं गए, अभी तो नीचे ही आए हैं। जी हाँ बिल्कुल, हम लोग होते हैं यहाँ पे कार्यक्रम, अभी कन्या भोजन भी होगा। जी तो उस तरह में आप हर जगह पे यही है, कली में भी यही, सत्य को भी यही था, ये तो रहेगा, लेकिन सत्य का हमेशा विजय होती है। भगवान का श्रेय भगवान के अलावा किसी को नहीं जा सकता, पर फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने ओहो भाग्य हमारे, भगवान के हमारे दर्शन हुए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है भैया। सर मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे उस खुशी को बयान करने के, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। आज रामनवमी के पावन पत्र पर मतलब मंदिर के आके दर्शन होगा, कण कण में भगवान है, तो किसी भी मंदिर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मन में भगवान होना चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान की कृपा है, सब तरफ राम राम का नाम है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, मैं अमित हयारण। रामनवमी और महानवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान श्री राम के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री खेड़ापति दरबार न्यू मार्केट में हम उपस्थित हैं। श्री राम जी के जन्मोत्सव का आज हम आपको दर्शन कराएंगे और भक्तों से इस मंदिर की और श्री राम जन्मोत्सव की खुशियां बांटेंगे। आइए हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? कम से कम 4-5 साल हो गए। आज क्या विशेष आयोजन है यहाँ पर? आज बहुत आयोजन है, सुबह से कार्यक्रम चालू हो चुके हैं। और क्या क्या चलता है इस मंदिर में, क्या क्या आयोजन होते हैं आज के दिन? धार्मिक आयोजन होते हैं, बब्बा का जन्मोत्सव आ रही है, उसकी भी तैयारी चल रही है। मंगलवार को, नेक्स्ट मंगलवार बब्बा का जन्मोत्सव है, वो भी धूमधाम से मनाया जाएगा पूरे में। आप भी इसी मंदिर के सेवक हैं क्या? बस पुजारी हैं, आते हैं सेवा करने। आप पूजा करने आते हैं यहाँ पर? अच्छा, तो अभी प्रेजेंट में क्या आयोजन आरंभ होने वाला है? अभी तो वो होंगी आरती होगी, महाआरती, जन्मोत्सव की आरती होगी। बताइए आप और इस मंदिर में क्या क्या आयोजन होते हैं? साल में जितने त्योहार पड़ते हैं सारे प्रोग्राम होते हैं मंदिर में, तो आज कुछ विशेष रामनवमी के उपलक्ष्य? आज रामनवमी के मौके में राम भगवान की 11:30 पूजा होगी, राम दरबार में उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, राम दरबार में, और प्रसाद वितरण होता है, भजन संध्या आरती भी चलती है, कन्या भोज भी होगा यहाँ पे। आई मैं उनसे भी मिलता हूँ। और बताइए आप क्या क्या होगा? और 12 बजे के बाद में राम जी की आरती होगी, कन्या भोजन भी होगा, आज भगवान राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, प्रसाद बांटा जाएगा। उसके बाद में कितनी भारी संख्या में क्या उपस्थित होते हैं भक्त यहाँ पे? भक्तों की कोई गिनती नहीं है, इतने भक्त इकट्ठे होते हैं। आपकी क्या क्या चीजें यहाँ बिकती हैं आज के दिन? क्या क्या आज के हमारे की सामग्री? हमारा चाहिए नारियल, फूल माला बिकना, प्रसाद बिकना। चलिए हम और भी लोगों से इस बारे में जानेंगे और दर्शन कराएंगे आपको मंदिर के, जो नित्य प्रति यहाँ भक्त आते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्ते, आप इस मंदिर में आते रहते हैं क्या? आज के दिन का क्या विशेष आयोजन है? रामनवमी होगी और क्या, एक दिन आए थे तो छूट गया, रह गया मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है। 12 बजे नहीं, आज तो 12 बजे तो भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, पूरा दिन को लाओ। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, आइए मंदिर के दर्शन करते हैं और अंदर भक्ति भाव से भगवान की जयकारे लगाते हैं। आइए
आप यहीं से मंदिर के बाहर फल बेचते हैं? जी भैया, मैं कुछ लेके ना जाऊँ। तो मंदिर के बाहर ही बैठते हैं ना आप, तो फल तो क्या क्या बिकता है आज के दिन? चलिए चलिए, आइए दर्शन करते हैं मंदिर के और मिलते हैं भक्तों से। जय श्री राम भाई साहब, हमारे खबरदार चैनल पे आपका स्वागत है। आज क्या विशेष आयोजन है यहाँ पर? अभी भजनों का कार्यक्रम चल रहा है, 11:45 से भगवान का अभिषेक प्रारंभ होगा। इसके बाद ठीक 12 जन्मोत्सव एवं महाआरती का आयोजन किया जाएगा, राम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और आज का राम जन्मोत्सव तो 500 साल बाद आया है, तो इतना उत्साह है भक्तों में, इतने सुबह से ही जो है भीड़ लगी हुई है और लंबी लंबी कतार में भक्त लगे हुए हैं आने में, और फुल आनंद चल रहा है समय। 500 वर्षों के अंतराल पर राम भगवान अपनी जन्मभूमि पे अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं, कितनी खुशी है भक्तों के बीच। हिंदुओं के दिनों में मतलब आज जैसा दिन तो कभी आया ही नहीं है, अपार खुशी है, उत्साह से लगे हुए सारे लोग। ये ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक तारीख यो यो तक याद रखी जाएगी कि श्री राम अपने जन्मोत्सव अपनी जन्मभूमि पर ही अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं, अपने वो मना रहे हैं। ऐतिहासिक दिन है, कोई जोड़ा नहीं है। किसको श्रेय देना चाहेंगे इसके लिए आप, किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? तो सीधा सीधा सब जानते हैं, मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी की वजह से ये सब हो पाया है। अपन तो जो राम को लाए हैं अपन उनको लाएंगे, उनको विश्वास करते कोई भी हो, और मोदी जी ने जो करा है आज तक जो ऐतिहासिक काम करा। आज की युवा पीढ़ी और हम और आप जिस दिन को देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं, शायद हमारे आने वाली पुरखे भी उसको याद रखेंगे। कई पीढ़ियां गुजर गई साहब, जिन्होंने अपने आहुतियां दे दी, जावर हो गए, जेलों में गए, जो अपन को पता है कई पीढ़ियां गुजर गई, मगर ईश्वर ने हम लोगों को साक्षी बनाया, ये बहुत बड़ी बात है। हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं इस भाषा में। 500 वर्ष के अंतराल के बाद राम भगवान अपनी जन्मभूमि पे जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इस खुशी के अवसर पे आप कुछ गाना चाहेंगे, एक भजन की कोई लाइन? कुछ नहीं, बस जय सियाराम जय माता। चलिए बातचीत के लिए धन्यवाद। आइए और लोगों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं लोगों से, कैसा लग रहा है आपको आज भगवान राम का जन्मोत्सव उनकी जन्मभूमि पे आज पहली बार मनाया जा रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़ गया। उस मंदिर में आते नहीं, हमेशा आते हैं क्या? नहीं, हम पहली बार आए, इधर तो आते नहीं मार्केट में। अच्छा। पर इधर बहुत कम आते हैं, पर आज देखा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। अभी ऊपर भी ऊपर दर्शन करें आपने? ऊपर नहीं गए, अभी तो नीचे ही आए हैं। चलिए दर्शन कर लीजिए। हाँ, बहुत कुछ है मंदिर में आके, नहीं बहुत लग रहा है। आइए और बातचीत करते हैं और भी लोगों से। भैया आपसे भी बातचीत करूंगा मैं, 500 वर्ष के अंतराल के बाद श्री राम का जन्मोत्सव जन्मभूमि में मनाया जा रहा है, क्या महसूस करते हैं आप, इसी को कैसे बांटेंगे इस खुशी को? बहुत अच्छा लग रहा है और सबको मिल बांट के करना चाहिए इसका, बहुत अच्छा लग रहा है अंदर से भी, से भी। आप उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिसने इस पल को देखा है। यस, ये अच्छा है कि हम यहाँ पर हैं अभी, इसको देखने के लिए, हमारी आंखों से खुद इसको अनुभव करने के लिए। अभी दर्शन करिए आप, ऊपर विश्राम करिए। चलिए धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। राम जन्मोत्सव राम जन्मभूमि में पहली बार मनाया जा रहा है, कैसा फील कर रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को तो बहुत प्राउड फील हो रहा है, मोदी आप बहुत अच्छा काम किया। आप अयोध्या जाना चाहेंगे दर्शन करने? जी बिल्कुल बिल्कुल जाना चाहेंगे। अभी प्रेजेंट में ऊपर आरती और भजन होगा, आप शामिल होते हैं हमेशा इस मंदिर के? जी हाँ बिल्कुल, हम लोग होते हैं यहाँ पे कार्यक्रम, अभी कन्या भोजन भी होगा। जी आप यही आसपास के निवासी? हाँ यही आसपास के, हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। कितने सालों से इस मंदिर में आ रहे हैं? हम लोग 10 से यहाँ पे आ रहे हैं। तो मंदिर के जो सेवादार होते हैं आप, उनकी तरह हाँ, सेवा भाव से आते हैं? जी हाँ सेवा करते हैं, मेरे पापा तो यहाँ पे कुकिंग भी करते हैं, ऊपर खाना वगैरह बनाते हैं। प्रसादी जो बन रही है वो आपके पापा के हाथों से? पापा बना रहे जी। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। आइए और भी लोगों से जानेंगे हम मंदिर की महिमा के बारे में और मंदिर के दर्शन करेंगे ऊपर भी। नमस्कार भाई साहब। 500 वर्ष बाद श्री राम अपने जन्मोत्सव अपनी जन्मभूमि पे मना रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, भगवान की कृपा है, सब तरफ राम राम का नाम है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इस टाइम हिंदुस्तान राम में हो चुका है पूरा, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? भाई देखिए, भगवान का श्रेय भगवान के अलावा किसी को नहीं जा सकता, पर फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए बहुत हरी अनंत हरी कथा अनंता।
अब ये इतना मैं नहीं समझता, बट हाँ हरि का नाम, श्री राम का नाम अनंत है, किसी के ऊपर उसको ऊपर नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, आप और हम एक सेवक हैं जो कर रहे हैं उनकी एक सेवा में। कितने वर्षों से आ रहे हैं इस मंदिर में? 7 साल हो गए। कैसा महसूस हो रहा है आज आपको, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है, भगवान का नाम, प्रभु का नाम तो सुन के हमेशा खुशी महसूस होती है। चलिए धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी 500 वर्ष के उपरांत श्री राम अपनी जन्मभूमि में जन्मोत्सव मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? ओह भाग्य हमारे, भगवान के हमारे दर्शन हुए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है भैया। आप और हम वो खुश नसीब लोगों में से हैं जिनने इस पल को हम महसूस कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ करीब उसमें खपत गए, लेकिन आज हमारे नसीब है हमको साक्षात हो रहे हैं भगवान, इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। जो लोग राम जन्मभूमि से खुश नहीं है या उनसे विमुख है, आप उनको क्या 2 शब्दों में समझाएंगे इस चीज को? राम द्रोह करे मम भगवत, सो नर मोहि सपने पावा। राम से द्रोह करके जो कहते हैं अपने को बड़े भक्त कहता है, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे कभी नहीं भाता है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो इस तरह से जो है, अब जो जहाँ सत्कर्म होता है वहाँ कुकर्म भी करते हैं, तो 2 तरह के लोग होते हैं। तो उस तरह में अब हर जगह पे यही है, कली में भी है, सत्य को भी यही था, ये तो रहेगा, लेकिन सत्य का हमेशा विजय होती है। आप अयोध्या हम जाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, वो हमारा धाम है, हमारा आत्मा है, हम जरूर जाएंगे। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर। 500 वर्ष के उपरांत जो श्री राम जन्मभूमि पे जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप आज के दिन? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, आज रामनवमी के पावन पत्र पर मतलब मंदिर के आके दर्शन हो गए, कण कण में भगवान है, तो किसी भी मंदिर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मन में भगवान होना चाहिए। राम जन्मभूमि पे जो उत्सव मनाया जा रहा है, उस खुशी को आप किन शब्दों में बयान करेंगे? सर मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे उस खुशी को बयान करने के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। आइए ऊपर दर्शन कराते हैं आपको राम दरबार के, और श्री राम जी की महिमा के दर्शन कराते हैं, और जन्मोत्सव प्रारंभ होने वाला है, आइए हमारे साथ चलिए।